पीएम सम्मान निधि योजना इस योजना के तहत है जो सभी किसानों को अपनी न्यू किस्त जारी होने वाली है, जो अपने 18वीं किस्त, जी हाँ दोस्तों, अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा है, जो सीधे डीबीटी के माध्यम से है, जो सीधे तौर पर किस्त है जो कब जारी होगी, और 18वीं किस्त है जो सभी किसान भाइयों के कब से है जो अपने मिलेगी, जिसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर है जो इसकी जानकारी आ रही है कि अपने जो 18वीं किस्त है वो अपने 5 अक्टूबर को, जी हाँ दोस्तों, अपने आगामी 5 दिन के बाद में 5 तारीख को है जो सभी किसान भाइयों के खातों में जो 2000 रुपये आने को लेकर बड़ी अपडेट है। उससे पहले अपनी एक नई जानकारी है जिससे आपको बता दें कि जिन भी किसान भाइयों के ई KYC नहीं है या फिर अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिसके माध्यम से जिन किसी भाई का नहीं होगा उनका है जो अपना 2000 रुपये नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से वो आपको है जो अपडेट करना होगा, उसके बारे में पूरी अपडेट बताएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी है जो इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, ई KYC आपको है जो कंप्लीट कर लेना है। ई KYC कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, और अपने वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको ओपन करना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके माध्यम से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी पीएम सम्मान निधि योजना की है जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है जो आपको अपने 5 तारीख को मिलेगी। 5 तारीख जो अपने अक्टूबर के महीने में आगामी आ रही है, उस महीने में आपको 5 तारीख को किस्त है जो दी जाएगी, जिसके बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको है जो अपनी ई KYC करनी और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना। पीएम किसान योजना के तहत जिन भी किसान भाई का आप स्टेटस देखना चाहते हो या फिर अपने मोबाइल नंबर अपडेट करना या फिर ई KYC करनी है, वो उसी एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसकी, और आप पर डायरेक्ट ही है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिखने पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगी, जिसके माध्यम से भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आपको अपडेट करना। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप पेज पर चलते हैं, वहां से आपको एक एक करके है जो बताते जानकारी, और आप इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से वो भी अपडेट आपको बता देंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद में आप सबसे पहले है जो यहाँ पर देख सकते हो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पर एक पॉपअप निकल के आ रहा है, जिस पर लिखा आ रहा है कि 9 करोड़ लाभार्थियों किसानों को है जो 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, जिसपे आप है जो अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से है जो देख सकते हो। इसी के साथ में है जो सभी किसान भाइयों के है जो अपने डेट भी बता रखी है यहाँ पर है जो 5 अक्टूबर 2024 को, जी हाँ दोस्तों, अपने 5 अक्टूबर 2024 को सभी किसान भाइयों के है जो अपने 18वीं किस्त है जो जारी हो जाएगी, और अपने 9.5 करोड़ लाभार्थी किसानों को है जो 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि है जो ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं तो इस सामने जो पॉपअप निकल कर सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से आप देख सकते। इसके बाद में है जो आप यहाँ से है जो ई KYC कैसे करते हैं उसके बारे में भी अपडेट आपको बताएंगे ई KYC का, और इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करना है वो भी आपको है जो बता देंगे। तो सबसे पहले है जो बात कर लेते हैं ई KYC का, तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, और ऊपर की साइड में जो आप देखोगे तो यहाँ पर भी है जो 18वीं किस्त के बारे में लिखा हुआ है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर विल बी योर, इसके रिलेटेड है कि 18वीं किस्त अपने है जो आने वाली है, जिससे रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में है जो ई KYC ये वाला ऑप्शन दे रखा है, इसके ऊपर है जो आपको है जो सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको अपना है जो आधार नंबर डालना है। जैसे अपने आधार नंबर यहाँ पर डालोगे तो आधार नंबर डालते ही अपना है जो पूरी डिटेल स्टेटस अपना है जो खुलकर सामने आ जाएगा, और स्टेटस जैसे खुलेगा तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर जानकारी जान सकते हो। यहाँ से आपने है जो पूरी जानकारी आपके सामने देखने को मिलेगी। इसके बाद में है जो आपको है जो यहाँ पर जानकारी जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो इसके बाद में आप है जो यहाँ पर अपना नाम और अपना आधार कार्ड वगैरह यहाँ पर आपको है जो डालकर आप यहाँ से है जो ई KYC कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में है जो आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट, तो मोबाइल नंबर अपडेट आपको किस प्रकार से करना है, तो अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर अपना रजिस्टर अपडेट मोबाइल नंबर, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और न्यू है, यहाँ से देख सकते हो आप न्यू वाले आइकन पर है जो यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि अपडेट मोबाइल नंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो अपना मोबाइल नंबर का है जो अपने स्टेटस देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको अपने आधार नंबर से भी है जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सीधे अपने मोबाइल नंबर डालोगे तो OTP आपको मिलेगा, OTP डालते ही आपके मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे।
इसी के साथ में है जो आप यहाँ पर अपडेट ये भी एक देख सकते हो। इसके बाद में है जो अपने इसके बाद में आपको जान ले अपने स्टेटस ने अपने खुद का कि अपने आपको किस्त 5 तारीख को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपको ब्लू टिक है या फिर यहाँ पर नहीं है। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले है जो आपको क्या करना होगा, अपने इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा और अपने है जो आधार नंबर रहेगा, सब अपने है जो आधार नंबर मोबाइल नंबर इसके ऊपर ही है जो यहाँ पर जानकारी रहेगी। तो यहाँ पर अपने आधार नंबर डाल देना है या फिर आपके जो अपना रजिस्ट्रेशन अपना फॉर्म है उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालोगे, डालने के बाद में आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है, तो आपकी ओटीपी मिल जाएगी। ओटीपी मिलने के बाद में आप यह जो यहाँ पर जो अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर अपने है जो स्टेटस देख सकते हो कि अपने है जो स्टेटस में सब ब्लू टिक है, तो ब्लू टिक है तो आपके है जो अपना 18वीं किस्त प्रधानमंत्री जी द्वारा आएगी। और ये आज न्यू अपडेट आ चुका है, ई केवाईसी का तो सबसे पहले ऊपर दे रखा है और न्यू फार्मिंग का भी है जो सबसे पहले ऊपर इसी वेबसाइट के माध्यम से ऊपर दे रखा है, जिसके माध्यम से आप है जो न्यू फार्मिंग और ई केवाईसी के ऊपर क्लिक करके है जो आपने पूरी अपडेट जान सकते हो। इसके बारे में तो ई केवाईसी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, सिर्फ अपने एक ओटीपी की जरूरत रहेगी, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में है जो आप अपना है जो न्यू फार्मिंग जो जिन भी किसान भाई की जमीन है पास में और न्यू फार्मिंग है उनको है जो अपना यहाँ पर ऐड हो जाना, ऐड जैसे हो जाओगे यहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर दोगे या फिर ई मित्र पर जाकर भी है जो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फिल जैसे करोगे तो इसके बाद में भी आप भी इसमें है जो 2002 करके आपको है जो 6000 रुपये की राशि एक साल में दी जाती है सभी किसान भाइयों को, जिसमें है जो आप अपनी किस्त भी प्राप्त कर सकते हो और आपको भी है जो इसमें किस्त मिलना प्रारंभ होगी। आपका जैसे फॉर्म फिल होगा आपका पहली बार रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका है जो रिजेक्ट पहली बार में रिजेक्ट होने के बाद में दूसरी बार आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसलिए आप ई मित्र पर सही है सही से अपना है जो फॉर्म फिल कराए ताकि अपना अपडेट सही रहेगी और जानकारी भी आपको सही से। तो आपको बता दूं कि अपने ई केवाईसी फॉर्म आप फिल करने के लिए आपको है जो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है और आप इस फॉर्म के माध्यम से ही आप है जो आगे अपनी जानकारी जान सकेगी। सबसे पहले आधार नंबर डालना, अपना मोबाइल नंबर डालना, इसके बाद में स्टेट डालना, अपना राज्य डालना कि किस राज्य से आप बिलोंग करते हो, इसके बारे में यहाँ पर कैप्चर कोड डालना, इसके बाद में गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। उसके बाद में है जो आपको एक पूरी पूरी डिटेल भरनी है, उसके बाद में आपको ई केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी, उसके बाद में है जो आपका जैसे 3 से 4 दिन के अंतर्गत वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में आपको है जो पहली किस्त मिलेगी। ऐसी ही आपको है जो अपना सालाना 6000 रुपये और ज़मीन है तो आपसे ज़मीन से रिलेटेड आपकी है जो सारी जानकारी है जो इसी के माध्यम से ले ली जाएगी, उसके बारे में है जो उसके बाद में है जो आपको भी है जो किस्त मिलना प्रारंभ होगी। इसके बाद में है जो आप है जो अपनी किस्त 18वीं किस्त है जो प्राप्त कर सकते हो। 18वीं किस्त का पॉपअप अभी भी है जो सामने देखने को मिल सकता है और यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ रखी है कि अपने 18वीं किस्त है जो 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अधिक पीएम सम्मान निधि के तहत है जो सभी किसान भाइयों को है जो दी जाएगी और इस के माध्यम से सभी किसान भाई को अपने है जो 2,000 रुपए करके दिए जाएंगे जो अपने डीबीटी के माध्यम से है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा है जो सभी के खातों में भेज दिए जाएंगे। तो यही थी आज को लेकर बड़ी खबरें। आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी और पीएम किसान से रिलेटेड अपने ई केवाईसी और अपने आपने 5 तारीख को पैसे आने के बाद में किन भाई किसान भाई के नहीं आते उसके बारे में भी आप हमें सवाल पूछ सकते हो और इसके बारे में पूरी हम आपको तक जानकारी जरूर पहुँचाएंगे। और इस पर है जो जो जानकारी रहेगी वो सबसे पहले जानकारी आपको इसी चैनल्स के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। सभी किसान भाइयों के पास में ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, उससे पहले पहले 5 तारीख से पहले पहले वो अपनी अपडेट ई केवाईसी वगैरह कर सकते हैं। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और इसके बाद में वेबसाइट नहीं है तो इसके बाद में आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको है जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसे क्लिक करोगे उसके सामने आपके सामने फॉर्म है जो खुलकर सामने आ जाएगा और यहाँ पर ई केवाईसी वगैरह आप है जो सभी कंप्लीट कर सकते हो और फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो यही थी आज को लेकर बड़ी खबरें। आप चैनल्स पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके पैसे आ चुके या फिर नहीं आए।